आप सभी का स्वागत है इजी लर्निंग और स्मार्ट लर्निंग में। आज हम प्रोसीजर्स और फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वीबी रॉटेट में। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हमने दो प्रकार की प्रोग्रामिंग सीखी है। इन प्रोग्रामिंग में एक है कंसोल एप्लीकेशन और दूसरा है विंडोज़ एप्लीकेशन। सब रूटीन और फंक्शन जो हैं, जिसे हम प्रोसीजर कहते हैं उसे सब रूटीन भी कहते हैं। तो सब रूटीन और फंक्शन या प्रोसीजर या फंक्शन जो हैं उसे हम कंसोल एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीख सकते हैं और विंडोज़ एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीख सकते हैं। अब चूंकि कंसोल एप्लीकेशन में इसे सीखना बेहद आसान है, तो मैं आपके लिए कंसोल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए इसे आपको सिखाऊंगा। कंसोल एप्लीकेशन का पिछला जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, उसमें आपको मैंने अरेज बताया था, और इतना कॉम्प्लिकेटेड अरे के साथ में मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा सब रूटीन और फंक्शन का। बेहद ही आसान तरीके से मैं आपको परिभाषा दूंगा, और इसे किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में मिलेंगी। तो ये मैं लिस्ट बना देता हूँ कि आप क्या क्या सीखेंगे आज। सबसे पहले आप सीखेंगे इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, और इसका सिंटैक्स, और आखिरी चीज़ में इसका एग्जाम्पल। इन तीन चीज़ों के साथ जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ज़रूर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कि प्रोसीजर और फंक्शन क्या होता है, दोनों का डिफरेंस भी आपको मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपन प्रोसीजर से। देखिए, प्रोसीजर जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करती। वैल्यू को रिटर्न नहीं करती का मतलब क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें एक मेन फंक्शन है जिसे मैं प्रोसीजर बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं प्रोसीजर vb.net का है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, पर फिर भी इसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक फंक्शन है, मेरा एक प्रोसीजर है। तो इस मेन प्रोसीजर में आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी काम को मेन फंक्शन के द्वारा किसी को रिटर्न नहीं किया जा रहा है। मतलब हम मेन फंक्शन को कहीं पे कॉल नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेन फंक्शन के अंतर्गत हम सारी कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी चीज़ को बोला जाता है कि ये जो प्रोसीजर है ये किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? तो ये जो परिभाषा है एक लाइन की है कि प्रोसीजर एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करती। इस प्रोसीजर को बनाने का तरीका ये होता है कि आप प्रोसीजर के सबसे पहले यहाँ पे सब लिखते हैं। सब का मतलब होता है सब रूटीन, और यहाँ पे आपका जो भी प्रोसीजर का नाम है, जैसे इसमें मेन नाम है आपके प्रोसीजर का, और ये मेन प्रोसीजर तो सभी प्रोग्राम में रहेगा ही रहेगा। चाहे आप कोई सा भी प्रोग्रामिंग करें, आप विंडोज़ एप्लीकेशन बनाएं या फिर आप कोई कंसोल एप्लीकेशन बनाएं, मेन फंक्शन तो आपको बनाना ही पड़ेगा यदि आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके प्रोसीजर का नाम रहेगा। यदि आप अपना खुद का कोई प्रोसीजर बनाना चाहते हैं, फिर आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी प्रक्रियाएं करना चाहते हैं, जो भी टास्क करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आएंगी, और उसके बाद में फिर आपका एंड सब नाम से एंडिंग हो जाएगी। इसका एक उदाहरण है यहाँ पे। जैसे आपको बनाना है कि दो नंबरों को चलो जोड़ा जाए, तो दो नंबरों को जोड़ने के लिए यहाँ पे मैंने सब लिखा है और यहाँ पे सम। तो जब मेन फंक्शन में मैं चाहता हूँ कि जब इस सम को कॉल किया जाए तो दो नंबरों का एडिशन होना चाहिए, दो नंबरों का एडिशन होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है दो आर्ग्यूमेंट्स के नाम, और यहाँ पे जो बाई रेफ लिखा हुआ है, इस बाई रेफ का मतलब है बाई रेफरेंस। तो रेफरेंस के द्वारा हम क्या करेंगे, एक ए नाम के वेरिएबल के लिए वैल्यू लेंगे और एक बी नाम के वेरिएबल के लिए वैल्यू लेंगे। तो ये दो वेरिएबल्स हो गए। ये लगभग फंक्शन जैसा दिख रहा है सी के, या सी प्लस प्लस के फंक्शन जैसा दिख रहा है। और यदि आपको सी या सी प्लस प्लस नहीं भी आता है, तो आप इतना समझिए कि सम नाम का एक, हमने जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोसीजर का नाम रहेगा, और यहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट रहेगी। तो ये आर्ग्यूमेंट की आपकी लिस्ट है जिसे आप बाई रेफरेंस के द्वारा क्या करेंगे, पास करेंगे। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं डिम रिजल्ट एज डेसिमल। तो ये res जो है रिजल्ट के लिए है, जिसमें मैं a और b को क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने के बाद उसे प्रिंट भी करा दे रहा हूँ। तो ये मेरा प्रोसीजर जो है ख़त्म होता है, और मेन फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली सम को कॉल कर रहा हूँ। तो जब ये सम कॉल होगा तो यहाँ पे जो 25 है, इस वैल्यू को इस बाई रेफ स्टेटमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, और ये कॉपी हो जाएगा आपके a में। मतलब 25 चले गया a के पास, 10 चले गया b के पास, और ये दोनों के दोनों ऐड होंगे, और रिजल्ट में कितना चले जाएगा, 25 और 10 35। तो इस प्रकार से ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन है, ये जो है जब ये कंट्रोल इसके पास जाएगा तो ये अपना काम ख़त्म कर दिया। तो अपना काम ख़त्म कर दिया तो मेन फंक्शन ख़त्म हो गया। मतलब आप जैसे ही सम को कॉल करेंगे तो यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, ये अपना काम यहाँ पे समाप्त कर देगा।
उसके बाद फिर से आप दोबारा सम को कॉल करेंगे तो फिर से यहाँ पे 40 और 20 लिखा है तो 60 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और 30 और 25 होगा तो यहाँ पे 55 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन से क्या होता है, हम इन आउटपुट्स को क्या कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो सीधी सी बात है, इतना कोड को हम उठाते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे पेस्ट करने के पहले मैं यहाँ पे एक नया मॉड्यूल बना लेता हूँ, ऐड मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नाम यहाँ पे मॉड्यूल 4 सजेस्ट कर रहा है, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद में हम उसको उठा के यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा सब रूटीन जिसे मेन फंक्शन में, मेन प्रोसीजर में क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। एक आखिरी काम ये बच गया कि प्रोजेक्ट में जाके आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन चुनना अनिवार्य है, यदि आप ये नहीं चुनेंगे तो ये नहीं चलेगा। और यहाँ पे आपको चुनना है मॉड्यूल नंबर 4। अब आप इसे प्ले कर दीजिए, प्ले करने के बाद देखिए सम इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये इस स्थान पे M% आएगा क्योंकि ये जो वैल्यू है उसे ऐड करना है हमें, तो अभी हम यहाँ पे रिजल्ट के आगे M% लगा देंगे तो काम हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 30, 35, 60 और 55 जो हमने पहले जोड़ा था वो सारी आउटपुट यहाँ पे आ चुके हैं। तो प्रोसीजर आपको समझ में आया हो तो बिल्कुल आप लाइक बटन दबाने में कंजूसी ना किया करें, और यदि ना समझ में आया तो जल्दी से डिसलाइक बटन दबाने में भी कंजूसी ना किया करें, और यदि आपको कोई सवाल आया हो तो क्वेश्चन करने में तो बिल्कुल झिझक किया ही ना करें। तो ये है सब रूटीन, सब रूटीन हमने बनाया, उन सब रूटीन्स को क्या किया, यहाँ पे कॉल किया। ध्यान रखिएगा सब रूटीन ही प्रोसीजर्स होते हैं, और प्रोसीजर और सब रूटीन में कोई अंतर नहीं है। प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि आप किसी एक प्रोसीजर को बना रहे हैं, एक प्रक्रिया को बना रहे हैं, उन प्रक्रिया को बनाने के लिए आप यहाँ पे कुछ तो लिखेंगे, तो हम सब रूटीन की सहायता से उस सब रूटीन को बनाते हैं और उसे मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। ओके, अब आते हैं आगे फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन में सीधी सी एक बात ये है कि जैसे कि यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी। मतलब देखिए, मैं आपको इसे पेंट ब्रश में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आप तरीका देख लीजिए। ये हमने यहाँ से ड्रैग किया और पेंट ब्रश में ले जाके इसे ड्रॉप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। ये सम फंक्शन का कंट्रोल जो है आपके सब रूटीन के पास में जाता है पर वापस नहीं आता है, यहीं पे काम ख़त्म हो जाता है, ये सब रूटीन हो गया। जब यही चीज़ फंक्शन बन जाएगी तो क्या होगा वो देखिए, जब इसी चीज़ को हम फंक्शन बना देंगे तो कंट्रोल एक बार यहाँ पे जाएगा और यहाँ से वापस भी आएगा, आप फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सम फंक्शन को जब ये कॉल करने जाता है तो ये काम पूरा ख़त्म हो जाता है, जब ख़त्म हो जाता है तब ये यहाँ से ही आगे बढ़ता है, और उसके बाद में क्योंकि ये प्रोसीजर है, और फंक्शन में क्या होता है कि कंट्रोल पूरा का पूरा जंप होके कहाँ जाएगा, फंक्शन के पास जाएगा, और वापस कहाँ पे आएगा, मेन फंक्शन में वापस आएगा, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा। तो ये जो आपको डायग्रामेटिक डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये डायग्रामेटिक डिफरेंस को आपको याद रखना है दिमाग में, क्योंकि परिभाषा तो बड़ी आसान सी है कि भाई प्रोसीजर क्या होता है कि वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, और फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की परिभाषा आप देखेंगे कि यदि हम चाहें तो अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। फंक्शन एक कार्य को पूर्ण करके क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। अब सिंटैक्स आप देखेंगे तो सिंटैक्स बिल्कुल सेम टू सेम है, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखेंगे, और यहाँ पे टाइप भी बताएंगे कि किस टाइप का फंक्शन आप बना रहे हैं। उसके बाद में फिर आप डेफिनेशन ऑफ फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एंड फंक्शन। इसके बाद में हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे वहाँ पे दो नंबर को ऐड किए थे, यहाँ पे भी हम दो नंबरों को ऐड ही करने वाले हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है फंक्शन, वही सम नाम का फंक्शन है, यहाँ पे बाई रेफरेंस की जगह हम लिख रहे हैं बाई वैल। तो बाई वैल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू पे काम करेंगे ना कि रेफरेंस पे, वहाँ पे रेफरेंस से काम चल जा रहा था, यहाँ पे हमको पूरी वैल्यू ही पास करनी पड़ेगी। तो बाई वैल एज इंटीजर लिखेंगे, वेल बी एज इंटीजर लिखेंगे, और पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो किस प्रकार का होगा, एज इंटीजर होगा, तो यहाँ पे एज इंटीजर लिखेंगे। अब ए के लिए हम वैल्यू रीड कर रहे हैं, बी के लिए वैल्यू रीड कर रहे हैं, और दोनों को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो इस फंक्शन को जब जब कॉल किया जाएगा तो ये ए के लिए वैल्यू रीड करेगा, बी के लिए वैल्यू रीड करेगा, और सम को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब मेन फंक्शन में हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक्स और वाई, आप चाहें तो दूसरा ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं। अब रिजल्ट में हम क्या कर दे रहे हैं, सम को स्टोर करा दे रहे हैं। ये तो सिर्फ एक मैसेज है कि इंटर टू नंबर्स, तो ये इंटर टू नंबर्स जो है मैसेज देगा, इंटर टू नंबर्स के बाद में यहाँ पे जो सम के लिए वैल्यू है ये रीड हो जाएगी, और x की जो वैल्यू है वो कॉपी होगी a में, और y की जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी b में। तो इसे एक बार रन करके देखते हैं, रन करने के बाद में फिर हम इसे पेंट ब्रश में भी समझेंगे कि काम कैसे कर रहा है।
और उसके बाद में फिर आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होने वाला है, तो ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पे मैंने उसी सब रूटीन की जगह क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया, इसे प्ले करता हूँ। यहाँ पे मैसेज आ रहा है, एंटर टू नंबर्स, 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है भाई, लिखा गया, बधाई के पात्र हैं आप। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे किया। तो ये काम इस तरीके से किया कि हम इसे फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और पेंट ब्रश में चलते हैं समझने के लिए। तो ये रहा हमारा फंक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो जब हम यहाँ पे प्रोग्राम चालू हो रहा है मेन फंक्शन से चालू होने के बाद में x और y तो डिक्लेयर होंगे, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, यहाँ पे मैसेज भी प्रिंट हो गया, एंटर टू नंबर्स। सबसे पहला मैसेज आपने देखा कि एंटर टू नंबर्स आ रहा था। मैं एक बार आपके सामने आउटपुट को भी रख देता हूँ। तो ये हमारा आउटपुट विंडो है जहाँ पे एंटर टू नंबर सबसे पहला मैसेज आ गया। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ जिसका नाम है सम। तो सम फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा सीधा कहाँ चले गया, इस फंक्शन के पास में। फंक्शन के पास में कंट्रोल गया तो अब यहाँ पे इंतज़ार चल रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि भाई a इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू डालता हूँ 5। फिर कंट्रोल कहाँ आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है b इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। अभी एंटर बटन नहीं दबाया, तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा इन दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा, और वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, सम के पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम सम को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, सम को प्रिंट कहाँ करा रहे हैं, हम इस जगह पे। तो ये अब जब सम वैल्यू रिटर्न कर दिया तो ये जो कंट्रोल है ये वापस आ गया आपके सम के पास से होते हुए, किसके पास वैल्यू चली गई, रिजल्ट के पास। और रिजल्ट के पास आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को मेन फंक्शन के द्वारा प्रिंट करा रहे हैं। तो इसलिए जब मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो ये काम कंप्लीट होगा, और वैल्यू कितनी प्रिंट हो गई, 10। अब बोलोगे सर आप 5 5 10 ही दिखाते हो, थोड़ा बड़ा नंबर दिखाओ, तो ओके लीजिए। इस बार मैं आपको 5000 + 5000 करके दिखा देता हूँ, कितना हो जाता है ये, 10000 हो जाता है। तो उम्मीद है आपको फंक्शन और प्रोसीजर समझ में आया होगा। इसका नोट्स आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं, और जहाँ से आपको पसंद हो, हिंदी की कोई किताब हो, vp.net की हिंदी में कोई किताब हो, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो, और इंग्लिश मीडियम है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम में भी बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाते हैं इंटरनेट में, तो आप इंटरनेट में सर्च करिए, प्रोसीजर को पढ़िए, फंक्शन को पढ़िए। यदि आपका कोई सवाल हो इससे संबंधित तो ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें, फ्री है, और लोगों को बताना ना भूलें, वो भी फ्री है। अपना खूब ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।